बैग। गवादर में पाक बैरिया का हेलीकॉप्टर तरबेती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हादसे में पाक बहरिया के दो अफसर और एक जवान शहीद। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर, स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत कौमी क्यादत का वाकये पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिना फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे के नतीजे में पाक बहरिया के दो अफसरान और एक जवान ने जामे शहादत नोश किया। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और निगरान वजीर दाखिला सरफराज मुफ्ती का वाकये पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत ने शहदा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ की और वतन के लिए खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया। निगरान वजीर आजम ने हेलीकॉप्टर हादसे में पाक बहरिया के तीन अहलकारों की शहादत पर रंजो बलाल का इजहार किया। अनवारुल हक काकड़ ने शहदा के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की।